हैं बहराइच के तिकोनी बाग चौराहे पर, जहां आप देख सकते हैं सभी तरीके से एकदम जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस 21 दिन के लिए भारत को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जा रहा है, तो इस समय बहराइच भी देखने को मिला कि बहराइच की सड़कें एकदम सुनसान पड़ी हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से ये रोडें एकदम सुनसान पड़ी हुई हैं, कि चारों तरफ की रोडें एकदम सुनसान पड़ी हुई। तो अगर कोरोना से बचना है तो सभी को अपने घर में रहना है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमको इस कोरोना की चैन को तोड़ना है, इस कोरोना से जीतना है, तो हम सभी को अपने घर में ही रहना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से आपको बहराइच में देखने को इसका नज़ारा मिला है। तो जैसे कि अगर आपको हम बता दें कि बहराइच में भी जैसे जो चीज़ कहा गया था कि जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमको मुहैया कराई जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। ये बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए इस तरह की एटीएम खुला हुआ है। लोग अगर किसी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जैसे एटीएम से पैसा निकालना है या पेट्रोल पंप के लिए, अगर पेट्रोल पंप की बात की जाए तो पेट्रोल पंप के लिए केवल सिर्फ अगर स्वास्थ्य विभाग के और पुलिसकर्मियों और जैसे कि मीडिया कर्मियों के लिए सुविधा बहुत अच्छी बात मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। जैसे कि मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस एक अपना पैर पसार चुका है, वैसे भी भारत में भी कोरोना वायरस का कहर देखने को मिला है। लगभग अभी तक 550 से ज़्यादा जो संक्रमित जो कोरोना वायरस को लेकर यहाँ हो चुके हैं और लगभग 10 से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसको गंभीरता से लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी पहल की है कि जो पहले इससे पहले किया था कि 22 मार्च को जनता के द्वारा एक जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा, तो उसका भी समर्थन जनता ने बहुत अच्छी तरीके से किया था। उसके बाद 24 तारीख को लगभग 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज रात के 12 बजे से पूरे भारत को बंद कर दिया जाएगा, पूरे लॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह का माहौल आप देख सकते हैं कि बहराइच में भी देखने को मिला है कि सभी रोडें यहाँ पे एकदम ब्लॉक की गई हैं। अगर कोरोना का हमको हराना है तो सभी को अपने घर में रहना पड़ेगा, और इस चैन को अगर तोड़ना है कोरोना की, तो हम सभी को इस जनता कर्फ्यू का 21 दिन जो लॉकडाउन किया गया है इसका सभी को सहयोग करना पड़ेगा। तो एक अच्छी पहल भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी तरफ से देखने को मिला है। जैसे कि इन्होंने एक अच्छा संज्ञान लिया है कि जिस तरह से देश में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, कई ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, चाहे वो चीन हो जाए, वो इटली की बात की जाए तो चीन को पिछाड़ चुका है, जो कि चीन नंबर एक पे था और चीन को पिछाड़ चुका है, इटली इस समय नंबर एक पर आ चुका है। तो लोग उसको देखते हुए भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक गंभीरता से इस चीज़ को लिया कि अगर भारत 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया जाता है तो जनता के लिए ही बहुत ही बड़ा फ़ायदा दिखाई देगा। बहराइच से जन्मदिन के लिए रिजवान खान।